देश में लोकतंत्र को बहाल किया जाए, लेकिन इस पुलिस ने दिखा दिया कि लोकतंत्र कैसे बहाल होगा जब पुलिस वाले खुद गुंडागर्दी करते हैं। साथियों, आज से 6 महीने पहले मई 5 को जिस समय दलितों के घर चलाए गए थे छपीरपुर में, उसके बाद में भीम आर्मी के लोग बोले कि उन लोगों ने न्याय चाहिए, उन लोगों ने सभा की 9 तारीख को सहारनपुर में उनको सभा नहीं करने दी गई। उसके बाद में साथी चंद्रशेखर को और तमाम साथी जो विनय रतन हो, कमल वालिया हो, मंजीत नोटियाल हो, नीटो, सबको 3rd degree दिया गया, तो हमारे गया सबको जेल में डाल दिया गया। और आज उस घटना के लगभग 4-5 महीने बाद जब चंद्रशेखर 4 महीने के जेल काट चुके हैं, तभी सरकार को ध्यान आया कि चंद्रशेखर राष्ट्र सुरक्षा के खतरा है। आप सोचिए, इनको बहुत तब ध्यान आई जिस समय चंद्रशेखर आजाद को देश की माननीय उच्चतम न्यायालय तक ने बेल दे दी थी। लेकिन इस योगी मोदी शुरुआत तक की सरकार को देश की न्यायालय पर भरोसा नहीं है। हम लोग न्याय पसंद लोग यहाँ इसलिए आए थे ताकि अपने अधिकारों का हम खुद जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम खुद ले सकें, ताकि ज्ञापन यहाँ दे सकें। लेकिन ये लोग कभी चाहते नहीं कोई भी प्रोटेस्ट देश में लोकतांत्रिक हो। ये लोग खुद दंगा फैलाते हैं, खुद गुंडागर्दी करते, खुद मारते हैं। मुझे पीछे उन्होंने मारा, शर्ट फाट दिया, और देख के मानसिकता क्या देश में। खालिद भाई मेरे साथ खड़े हैं, उनका केवल दाढ़ी है इसलिए उनको बार बार ये लोग अटैक कर रहे हैं, और ये के हिंदूवादी मानसिकता शरीक हुए हैं जो लोग जिन्हें घर चले थे, उन लोगों को न्याय मिले, उन लोगों को मुआवजा मिले, उन लोगों को मकान बने, आज उन लोगों को सहायता नहीं मिली है। हम लोग इसलिए जुटे हैं कि साथी चंद्रशेखर को न्याय मिले, उनके ऊपर रास्ता काटे और कम से कम एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी। इसी तरह आपको पता, आप साहब में काफी साथियों ने अखिल गोगोई के नाम सुना होगा। साथी अखिल गोगोई किसान नेता थे, सोशल एक्टिविस्ट असम के, उनको जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर उनके ऊपर रासुका लगा दी गई। उसका वकील बोले कि रासुका कहीं भी साइन नहीं करेगा, लेकिन सरकार ने बता दिया हम इस देश में संविधान की सुनते ना वकीलों की सुनते हैं, हम सुनते तो RSS में बैठे हमारे बॉसेस को सुनते हैं। हमें आज वह बताना पड़ेगा कि देश में राज चलेगा तो संविधान का चलेगा, मनुष्य प्रति का राज नहीं चलेगा। संविधान इस समाज में राज चलेगा तो बाबा साहब के मुंह ने चुनौत दिए थे, समाज का चलेगा। जय संविधान, जय संविधान। और एक बात हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि ये जगह सहारनपुर और दिल्ली और मिर्जापुर और भगाना तक की लड़ाई नहीं है। ये देश की हर गली हर नुक्कड़ सहारनपुर है, सबीरपुर है, मिर्जापुर है, भगाना है, खैरलांजी पठानी टोला लक्ष्मीपुर बातें हैं, और ये कहीं एक प्रक्रिया नहीं है। आपको घटना बताता हूँ, 1996 के अंदर जिस टाइम लक्ष्मीपुर बात है पठानी टोला में 58 और उनको घर चला दिया था। उसके बाद में जिन लोगों ने घर चलाए थे वो लोग आजाद हवा में आज घूम रहे हैं, और हमारे लोगों से एक रात में मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन तब भी इन सरकारों ने कोई न्याय नहीं दिया, और आज भी वही हो रहा है देश में। चंद्रशेखर आजाद को जब देश का न्याय मानने के लिए तैयार है कि उनको बेल मिलना चाहिए, तो योगी मोदी को क्या दिक्कत है, पूछना पड़ेगा। क्या उनको विश्वास नहीं किस न्यायपालिका में, इस न्यायपालिका जिसका बड़ी बड़ी हवाएं देते हैं मोदी जी, 56 इंच की तानाशाही दिखाते हैं। और आप लोग सब लोग देखिए, हमारे अभी भी 5 साथी यहाँ से गायब, ये पुलिस बता नहीं लोगों कहाँ पे है, क्योंकि हमें अपने सामने लोग उठाने को तैयार है, तो उनके बारे में क्या बताएं। और हम तब तक नहीं जाएंगे तो तुम्हारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता। और साथियों, मैं बार बार ये बात दोहराऊंगा, बार बार, ये लड़ाई हम सब की है, एक साथ लड़ने की आवाज में लड़ना है, और तब तक लड़ना तो संजय कर भाई जेल से बाहर नहीं आया। और साथियों, जब हमारे सभी पूरा घटना हुआ, तो सारे पूरा घटना हुआ, बड़े बड़े लोग आए कि ये लोग तो ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, और इसी तरह तमाम यूनिवर्सिटीज में हुआ, चाहे रोहित मिला हो, चाहे जे हो, चाहे डी हो, चाहे एम हो, और आप तभी तमाम छात्र जो यहाँ पर आज आए हो, सुशील भाई हमारे साथ जो खुद मेरठ यूनिवर्सिटी काफ़ी लोग यहाँ पर लेके आए हैं, तमाम साथी जे से आए हैं, डी से आए हैं, आप सब लोग छात्र लोग, और आपको सवाल करना पड़ेगा इनके मनुवादी फांसीवादी जातिवादी एजेंडे पे कि हमें नहीं सहने वाले, हम अपने देश में अपनी महिलाओं का अधिकार लेके रहेंगे, आप उनका बलात्कार नहीं कर सकते, आपको मार नहीं सकते, केवल इसलिए वो दलित, केवल इसलिए मुसलमान है, या केवल इसलिए वो महिला है, केवल इसलिए अपने राज चलाते हैं।
और ये बात के मैं बता रहा बार बार, ये बात केवल सहारनपुर के राजपूतों की नहीं है, ये बात इस देश के तमाम जगहों पर रहने वाले सामंतियों की, और लड़ाई केवल राजपूतों से नहीं है, ये लड़ाई तमाम सामंतियों से, ये बात हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उन लड़ाइयों को मुकम्मल करना पड़ेगा, एक मंच पर लाना पड़ेगा, वरना हम बता देते हैं इस 70 साल की तथाकथित आज़ादी ने जितना घाटा हम दलितों को पहुँचाया उतना किसी को नहीं पहुँचा। 70 साल हो चुके हैं, आज भी हम लोग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए तरसते हैं। हम कुछ भी करते हैं जेल में डाल दिया जाता है, कि छोटी सी गैदरिंग करते हैं। अरे आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे गैदरिंग में दिक्कत था क्या? हम केवल आपको ज्ञापन देने के लिए आए, वो ज्ञापन में क्या लिखा होता है, चंद्रशेखर को सब रास्तों का हटाइए, लेकिन आप ज्ञापन में नहीं चाहिए। और ये दिखाता है कि 2000 साल 3000 साल से जो आपने मनुस्मृति लगा रखी है समाज में लोगों ने, उन्होंने मनुस्मृति लगा रखी है, उसमें लिखा हुआ है कि दलितों को हक नहीं मिला, जान से मार दो, उनको जानवरों की तरह मारो, और आज भी लोग सोचते हैं कि वो मनुस्मृति समाज पे। इनको बता देना चाहते हम लोग कि देश के हम 85-90% दलित मुसलमान पिछड़ महिलाएं हैं, और हम सुनिश्चित करेंगे इस 21वीं शताब्दी में कि समाज में मनुस्मृति ने संविधान का राज होगा, बाबा साहब के मूल्यों का। अभी शायद में डिटेन भी पड़े हैं, मुझे खुद नहीं पता कि अंदर रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोग सामने जाने नहीं दे रहे हैं, और अब सबको मारा गया, पीटा गया, सबको तमाम साथियों। हम इसके बाद अपने साथी बुलाएंगे जहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मैं केवल बात रखने के लिए हमें बात करते हैं, हम इसके बाद भी तय करें हम इसके बाद क्या करेंगे, आगे हम क्या कॉल लेंगे, तो बात जरूर यहाँ सुनिश्चित करें। क्योंकि तमाम आप विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पर जो आए हैं, लेकिन अपने विश्वविद्यालय में जाकर सुनिश्चित करें कि लड़ाई आगे लड़ी जाए। तो इसी पूरी श्रृंखला में मैं कहना चाहूँगा सुशील भाई को अपनी बात रखें, और बोला ना हमारे जय भीम भाइयों, जय भीम।